हेलो दोस्तों स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में बात करेंगे बी कि सी बी और कहां तक जा सकता है तो चलिए उस पर बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक मेरा हक बनता है चलिए बात करते हैं बी देखिए बी ने पहले ही बहुत रुला लिया है और अभी और रुलाएगा थोड़ा सा आप अपने दिल को मजबूत रखिए क्योंकि okay, देखिए मैंने पहले कहा था कि पच्चीस जाएगा साहब गया उसके बाद मैंने कहा बाईस गया उसके बाद मैंने कहा बीस हज़ार वहाँ भी गया और बीस हज़ार पर कुछ लोगों ने कमेंट भी किया सर इससे नीचे नहीं जा सकता हम लिख के दे सकते हैं और मैंने कहा था कि इससे नीचे जाएगा लेकिन बहस की बात अलग है ठीक है देखिए सबकी समझ अपनी अपनी है आप अपनी समझ से ठीक है मैं अपनी समझ से ठीक हूँ अब जो मैंने रिसर्च किया अपना जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से मेरे हिसाब से अभी सत्रह हज़ार छः सौ के आसपास तक जाएगा देखिए मेरा जो अपना देखिए जितना मैं समझता हूँ जितना मैं जानता हूँ जितना मैंने सर्च किया उस हिसाब से अभी भी बी टी सत्रह हज़ार के आस तक जाएगा सत्रह हज़ार अठारह हज़ार के बीच में कहीं ना कहीं रुकेगा ये और उसके बाद अगर इससे नीचे गया तो फिर देखिए हिसाब लगाना फिर बंद कर दीजिए फिर उसको जाने दीजिए जहाँ जाता है क्योंकि हम सत्रह और अठारह हज़ार के बीच में तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक सकते हैं लेकिन उसके नीचे फिर हम हिसाब नहीं लगा सकते क्यों फिर हिसाब लगाने के लिए कुछ बचता भी नहीं है यहाँ तक तो थोड़ा सा भी है क्यों क्योंकि अभी जो नंबर्स आए हैं अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाने के लिए उसके हिसाब से यहाँ तक जाना कुछ ठीक लग रहा है कि यहाँ तक तो जा सकता है क्यों क्योंकि क्यों जिस हिसाब से वहाँ महंगाई बढ़ेगी अब भाई ब्याज दरें बढ़ेंगी जो लोगों की जेब से पैसा आम खर्चे में जाएगा इन्वेस्टमेंट में जाएगा नहीं तो देखिए जब इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं जाएगा तो फिर प्राइस बढ़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता है और यही एक मेन रीजन है कि लोगों की जेब में इन्वेस्ट के लिए पैसा नहीं है जब तक देखिए इन्वेस्ट के लिए पैसा नहीं होगा तब तक किसी भी चीज़ में रेट नहीं बढ़ सकता तब तक पैसा नहीं आएगा किसी चीज़ में जब तक मार्केट कैप नहीं बढ़ेगा तब तक देखिए कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जा सकती और वही हो रहा है अभी देख लीजिए एक ट्रिलियन से नीचे ही चल रहा है एक ट्रिलियन पर भी नहीं पहुँच रहा अभी अपना मार्केट कैप तो पहले हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम एक ट्रिलियन तक तो पहुँचे तो जब वहाँ पहुँचेगा तब हम थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं लेकिन वहाँ तक नहीं अभी तो देखिए सब बहुत नीचे आ गया अब तो दिनों दिन मार्केट कैप गिर रहा है तो हम कैसे उम्मीद करेंगे जाएगा ऊपर हाँ थोड़ी सी अभी जब ब्याज दरें ये बढ़ने की जब बात हुई थी जिस दिन उस दिन हल्की सी हरियाली आई थी तो कुछ लोगों ने उसको कह भी दिया था नहीं, नहीं अब यहाँ सब ठीक हो गया यहाँ से ऊपर जा जाएगा जबकि मैंने कहा था इसे नीचे जाएगा अभी और भाई हुआ मैंने ये भी कहा था कि चार दिन बाद देखिए इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा और वो इम्पैक्ट आया भी अठारह हज़ार आठ सौ अठारह हज़ार नौ सौ तक बी टी सी गया अभी थोड़ा सा ऊपर आ गया है लेकिन ये फिर नीचे जाएगा अभी देखिए इसलिए मैं कहता हूँ अभी थोड़ा सा रुकी कुछ लोग बाइंग के लिए ज़्यादा उताबले हैं तो देखिए सर अगर आपको बाइंग करनी है तो आप कर लीजिए क्यों किसी को पूछ रहे हैं मैं तो ये साफ कहता हूं क्यों हम आप फिर ये भी कहते हैं सर आप बाइंग बाइंग नहीं करवा रहे ना बाइंग करने दे रहे हो देखिए मैंने किसी के हाथ नहीं पकड़ रखे हैं आपके पास एक्सेस मनी है आपको जहां लगता है ठीक वहां लगा दीजिए मैं तो देखिए सबको देख के चलूंगा तो आपको अगर लगता है कि इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं देखिए मेरी तरफ़ से कोई पाबंदी या बंदिश नहीं है आपको जहां ठीक लगता है वहां कर दीजिए इन्वेस्टमेंट भाई आपका पैसा है भाई आप करोड़पति बनेंगे तो आप बनेंगे भाई लॉस में जाएंगे तो आप जाएंगे मेरा तो उसमें कुछ नहीं जा रहा है मैं तो एक अच्छा मशवरा दे सकता हूं अच्छा सुझाव दे सकता हूं बाकी देखिए मानना ना मानना मर्जी आपकी है मैं किसी पर कोई फोर्सली कोई चीज़ नहीं करवा रहा हूं बाकी बेटी सी मैंने बता दिया है अभी सत्रह हजार और अठारह हजार के बीच में देखिए छह सौ भी हो सकता है सात सौ भी हो सकता है और आठ सौ भी हो सकता है इन तीन यहीं कहीं सत्रह अठारह के बीच में रहेगा और उसके नीचे जाएगा तो फिर मैंने कहा ना फिर हिसाब लगाना छोड़ दीजिए उसका कोई फ़ायदा नहीं फिर फिर तो जाने दीजिए जहां जाता है बाकी हाँ अभी बी जो है अभी बहुत परेशान करेगा तो उसके लिए अपना दिल मजबूत रखिए और एक जरूरी सूचना और देखना देना चाहूंगा अभी कुछ दिन पहले कुछ गोल्डन स्पैरो वाले स्पैमर्स जो है ज़्यादा एक्टिव थे अकाउंट पर अभी एक को, कोई नया है स्पार्क थ्री वेव थ्री क्या टोकन है क्या नहीं है देखिए सब मैं नहीं जानता इसके बारे में कुछ भी ना ही मुझे कोई नॉलेज है इस टोकन के बारे में आपको परचेज करना है तो आप अपने हिसाब से कीजिए आप अपनी रिसर्च एनालिसिस ज़रूर कीजिए लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हैं अभी मेरी इसमें कोई किसी भी तरह की ना तो प्रोडिक्शन है मेरा नाम लेके कुछ लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा संभल के रहें बच के रहें हाँ परचेज करना है तो आप अपनी रिसर्च जरूर करें अपना छानबीन जरूर करें किसी भी टोकन के लिए तो ये स्मर्स स्पेमर्स जो है समय समय पर ऐसे एक्टिव हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा बच के रहें या फिर अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें किसी में भी इन्वेस्ट करने से पहले बस ये आपके लिए एक जरूरी सूचना आगे फिर किसी नई खबर के साथ फिर मिलते हैं नमस्कार